फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र बस स्टैंड पर रोडवेज परिवहन विभाग की एक बस आते ही उस पर 3-4 युवक चढ़ गए और आरोप है कि बस चालक और परिचालक के साथ मारपीट करने लगे। इसके साथ ही उनके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया, जिसमें परिचालक को कुत्ते ने काट लिया और उसका बदमाश बैग छीन कर फरार हो गए। हालांकि कुछ देर बाद बैग मिल गया, लेकिन उसमें रखे 8,300 रुपए गायब बताए गए। सूचना थाना पुलिस को देने के बाद पुलिस ने दोनों का मेडिकल करवाया। घायल चालक रामवीर सिंह टूंडला और परिचालक सतीश मैनपुरी निवासी है। इस बारे में जानकारी दी गई। घटना कुछ नहीं थी, ये परसों बस में बैठ के गए थे आगरा के लिए। विभाग के आदेश है हर गाड़ी नीचे से जानी चाहिए, टूंडला स्टेशन है, सवारियां मिलती हैं, तो सुबह गाड़ी खाली जाती है, 5-4 सवारी के नीचे गाड़ी ले गई, तो ये जाकर के बोले कि गाड़ी नीचे कैसे लाया, तो मुझे दो एक थप्पड़ मार दिया गाड़ी में, मैंने कुछ नहीं कहा, फिर गले वाम पकड़ के उसको कंडक्टर को गिरा लिया, बोले हम लेट हो रहे हैं, गाड़ी नीचे कैसे लाए, फिर वहाँ कोई बात नहीं, रफा दफा कर दी सवारियों ने, बोले कि हम तुमको फिरोजाबाद देखेंगे, हमें कोई ऐसी बात थी नहीं जो डरता, तो हम सुबह फिरोजाबाद आए टूंडला से ड्यूटी पर, तो ये कुत्ता लेकर के और जंजीर लेके हमको मारना शुरू कर दिया और कुत्ता दबा दिया, जैसे कुत्ते ने हमको खा लिया, तो निशान है पैरों में, दोनों को उसकी तो 2-3 कीले भी लग गए हैं, कुत्ते ने खा लिया, हमारी ये हाथ में लगा हुआ कुत्ते के। कल वाली बात को लेके आज हुआ सब, परसों की बात को आज उसने मारा है गली नंबर 1 में, वैसे ऐसे भी कुछ छीने हैं, और उसका कैश लेके गया था तब बैग गिर गया, उसमें से ऊपर के 8,300 रुपए कम निकले हैं बैग में, भाग गया है पब्लिक आगे नहीं गिरे। कहाँ की बात है ये? बस स्टैंड की ही बात है, मेन चौराहे पे, जिससे दुकान वाले का शोरूम भी टूट गया है। पुलिस नहीं पहुंची वहाँ पर? पुलिस नहीं आई, पुलिस को फोन किया है 112 नंबर पे, वो बहुत देर में लगा, उसके बाद चौकी पे गई तो चौकी पे भी कोई नहीं था, उसके बाद फोन लगाए तब फोन आया 1 घंटे बाद। फिरोजाबाद से अपने सहयोगी लकी शर्मा के साथ मदन भारद्वाज, पब्लिक न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।